हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आज हम जा रहे हैं मम्मी का आइस का लेफ्ट आइस का लेफ्ट या राइट, अभी मुझे पता नहीं है गाइस, मैं अभी आपको बता दूंगा। और आज ऑपरेशन है और हम करवाने सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट, तो हम वहाँ पर जाना है। थोड़ा मम्मी घबराई हुई भी है, पहले भी हो रखा है मम्मी का, पर लेकिन थोड़ी घबराहट तो होती है गाइस। बस इतना पार्ट सुन करके वो उसका ऑपरेशन करते हैं, तो आगे हम देखते हैं कि क्या रहता है। ब्लेसिंग लेना गाइस कि सब कुछ बढ़िया रहे, और जब तक आप ब्लॉग देखेंगे तो जब तक ऑपरेशन हो गया होगा, पर लेकिन फिर भी आप ब्लेसिंग देना कि जो 6-7-15 दिन का पीरियड होता है वो भी मम्मी का बढ़िया जाए। तो गाइज़ मिलते हैं आपको आगे ब्लॉग में। सो गाइज, हमारी रोज़ी भी तैयार है, थोड़ी ओस की वजह से तो गंदी हो रही थी, लेकिन इस पर कपड़ा मार दिया जितना मार सकता था, और आज पापा को भी फीवर है, तो हम आगे मिलते हैं हॉस्पिटल में। गाइज हम आ गए हैं सीएल गुप्ता, और थोड़ा लुक से गुप्ता गया, कार पार्किंग पे लगा दी है मैंने, और हम जा रहे हैं। अपॉइंटमेंट था 9 बजे का, पर लेकिन हम थोड़ा लेट हो गए हैं, खा पी के आए हैं, क्योंकि गाइज थोड़ा लंबा टाइम लगेगा यहाँ पे। तो मिलते हैं आपको आगे ब्लॉग में, मम्मी को भी दिखाता हूँ जब मम्मी अंदर जाएंगी ऑपरेशन रूम में, तो आपको दिखाता हूँ गाइज। गाइज आपने नोटिस किया कि मेरा कुछ न्यू लुक में आज बियर्ड है, और इसे मैंने 2-3 दिन पहले करवा ली थी, कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी, पर लेकिन मेरे को करवानी थी। सो गाइस, मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में। सो गाइस, हम लिफ्ट में आ गए हैं सेकंड फ्लोर पे हैं मम्मी पापा। थोड़ा मैं मास्क वगैरह लेने रुक गया था तो भूल गया था लगा, और ये हम दबा देंगे सेकंड फ्लोर पे। सो गाइस, देखते हैं अभी आगे जाके क्या होता है, मतलब मम्मी अंदर चली गई हैं या अभी जाना है, तो मिलते हैं आपको आगे। सो गाइज, मम्मी ओटी में चली गई हैं, और वहाँ पे एक जना ही अलाउड था, तो पापा चले गए हैं और मैं नीचे वेट करूँगा, ये प्रोटोकॉल बहुत है। हेलो गाइज जी, लग्जरी रूम करवा दिया है, डिलक्स रूम सॉरी, और मैं आपको व्यू देता हूँ इसका कैसा है, तो कुछ ऐसा है, और एसी भी चलवा लिया है हमने। तो आपको कैसा लग रहा है पापा डिलक्स रूम में बैठ के? ये सीएल गुप्ता में ही अवेलेबल होगा गाइस, और जगह भी होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, शो ऑफ करने वाली कोई बात नहीं है। ये भाई का कुछ लुक है, और पापा की भी फीवर आ गया था तो यहीं से दवाई दिलवा दिया पापा को, दवाई खा रहे हैं। वॉशरूम भी अटैच है। गाइज ऑपरेशन हो गया है मम्मी का, और मम्मी आ गई हैं, अब थोड़ा आराम करेंगी, फिर 1-1.5 घंटे बाद हम घर जाएंगे। मम्मी बता रही हैं आज थोड़ा ज़्यादा दर्द हुआ है, खाना आ गया है हमारा, खाना खाने जाएंगे, और अभी आपको हम जी अजी भी दिखाते हैं, किसकी बात कर रहा था मैं। टीवी भी ऑन करवा लिया है, अभी सेटअप बॉक्स का रिमोट आ रहा है, और ये है हमारे जिया जी जिनकी मैं बात कर रहा था। और न्यूज चैनल कर लगा दिया है, कांग्रेस कह रही है उसको बुलाएगी, ये तो गांव का है, कोई भी करेगा कैसे भी करेगा। हां, उन्होंने मतलब उनका वो कर दिया, बीजेपी वो होती है जिन्हें राम मंदिर लगवाया, हिस्ट्री में क्रिएट कर दी। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ फूड में क्या आया है, तो ये आए हमारे छोले, मिक्स वेज, रोटी, चावल, और एक चीज़ और है वो खा के बताऊंगा गाइस। तो अभी हम करेंगे जिया जी के साथ ही करेंगे, जिया जी भी ला रहे हैं अपना लंच, और इतने हम न्यूज़ देखेंगे गाइस। अब सही है बाबा आपकी तबीयत? डाउन है, आगे बंद हो गई है, चाय पी के सही लगेगा। भाई तो हम जा रहे हैं घर, ऑपरेशन हो गया, और बढ़िया ऑपरेशन हुआ है मम्मी का, अब कल आएंगे, कल दिखाएंगे कि सेट हो गया और रोशनी वगैरह कितनी आई है इसमें, देखेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज नेक्स्ट डे है, और आज हम फिर सीएल गुप्ता जा रहे हैं फिर मम्मी का चेकअप करवाने, कि
ऑपरेशन बढ़िया हुआ है और रोशनी वगैरह कितनी आती है जैसे मैंने आपको कल बताया था। हम आपको मिलते आगे सी एल गुप्ता में। सो गाइस, हम आ गए हैं सी एल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट। आप देख सकते हैं इसकी बिल्डिंग, कार पार्क कर दी हमने वहाँ पे। हम एंट्री करेंगे इसके अंदर। मम्मी को यहाँ बिठा दिया था मैंने। गाइस हम बैठे हैं, मम्मी बैठी हैं। सो गाइस, मम्मी का चेकअप हो गया और 100% रोशनी आ गई है। अभी डॉक्टर साहब से बात हो गई थी, अभी आ रहे हैं, फिर बात करके हम घर चले जाएंगे। ऑलमोस्ट सब चेकअप हो गया और हमने नेक्स्ट डेट भी ले ली है। नेक्स्ट डेट 19 तारीख की है। 9-10 बजे तक आ जाएंगे, चेक करवा देंगे। और आज का सब कुछ हो गया है और मम्मी को थोड़ा बॉडी पेन हो रहा था तो हमने दवाई लिखवा ली थी फिजिशियन से, डॉक्टर मोहित शर्मा। और अब हम कार लेने जा रहे हैं। मम्मी को मैंने बिठा दिया था क्योंकि मैंने कहा वहाँ इतनी दूर मत चल के जाओ, मैं कार यहीं ले आता हूँ। तो हम अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। गाइस ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ। गाइस सपोर्ट करते रहिएगा उसको नेक्स्ट ब्लॉग में। गाइस